नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही पसंदीदा YouTube चैनल धर्मेंद्र अकेडमी में। जी हाँ मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, टुडे की मोस्ट इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट न्यूज है कि यूपी में अब 5 वर्ष की संविदा से शुरू होगी सरकारी नौकरी। चाहे शिक्षकों की भर्ती हो या अन्य किसी भी विभाग में, सरकारी विभाग में जॉब हो, तो वह अब 5 वर्ष तक आपको संविदा की ड्यूटी करनी होगी और प्रत्येक छमाही में आपका एग्जाम्स होगा, यानी कि आपको दिया जाएगा। और यदि उसमें 60% अंकों से कम आते हैं तो आपको इस संविदा से बाहर कर दिया जाएगा। और इस छटनी के पश्चात 5 वर्षों में जो छटनी होगी, 5 वर्षों तक लगातार जो छटनी होगी, उसमें बचे हुए शेष विद्यार्थियों को ही सरकारी नौकरी मिलेगी। जी हाँ, बड़े बदलाव की तैयारी है यूपी में, चाहे कोई शिक्षक की भर्ती हो, अन्य या किसी भी सरकारी महकमे में हो। तो मित्रों, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। संपूर्ण विश्लेषण होगा इसमें, क्या और कैसे किस तरह का प्रोसेस अपनाया जाना है, इस पर काफ़ी बड़े बदलाव की तैयारी, इस पर विचार विमर्श चल रहा है मित्रों। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं स्पष्ट तरीके से मित्रों, कंप्लीट सार है कि समूह ख व ग की भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी है। प्रदेश सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जो कि आगामी भर्तियों एवं जो भर्तियां इस समय होनी है उस पर भी यह लागू हो सकता है। हर 6 माह पश्चात मूल्यांकन होगा, यानी हर, जिसे हम 6 माही मूल्यांकन कहेंगे, और हर वर्ष में 60% से कम अंक अगर आपने प्राप्त करती हैं, किए जाते हैं आपके द्वारा उस 6 माही मूल्यांकन में, तो आपको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा मित्रों। और 5 वर्ष की कठिन संविदा की जो प्रक्रिया है, जिसमें आपको हर दिन तपना होगा प्रक्रिया से छटनी के में, यदि आप बचेंगे तो ही आपको पक्की नौकरी की सौगात, यानी कि सरकारी महकमे में सरकारी पद पर दिया जाएगा मित्रों। तो पूर्ण रूप से इसको चर्चा करेंगे। तो यहां पर सभी लोग देख पा रहे हैं, प्रदेश सरकार समूह ख व समूह ग की भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव करने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था में चयन के बाद शुरुआती 5 वर्ष तक कर्मियों को संविदा के आधार पर रखा जाएगा, किया जाएगा। इस दौरान उन्हें नियमित सरकारी सेवकों को मिलने वाले अनुमन्य सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे। 5 वर्ष की कठिन संविदा सेवा के दौरान जो छटनी से बच पाएंगे, उन्हें मौलिक नियुक्ति प्रदान करेगी, यानी शासन उनको मौलिक नियुक्ति दे सकेगा या मिल पाएगी। ठीक है, शासन का कार्मिक विभाग इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष विचार के लिए लाने के लिए तैयार कर रहा है। इस प्रस्ताव पर विभागों से राय मशविरा शुरू कर दिया गया, यानी यह जो प्रस्ताव है, मसौदा है यूपी में कि 5 वर्षों तक संविदा पर रखे जाएं समूह खा और घा के लिए, तो उस पर ये विचार विमर्श चल रहा है मित्रों। वर्तमान में सरकार अलग अलग भर्ती प्रक्रिया से रिक्त पदों पर लोगों को चयन के बाद संबंधित संवर्ग की सेवा नियमावली के अनुसार 1 या 2 वर्ष के प्रोविजन पर नियुक्ति देती है। इस दौरान कर्मियों को नियमित कर्मी की तरह वेतन व अन्य लाभ दिए जाते हैं। इस दौरान वह वरिष्ठ अफसरों की निगरानी में कार्य करते हैं। नियमित होने पर वह नियमानुसार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, पर प्रस्तावित 5 वर्ष की संविदा भर्ती और इसके बाद मौलिक नियुक्ति की कार्रवाई से समूह ख व घ की पूरी भर्ती प्रक्रिया ही बदल जाएगी। नई व्यवस्था में तय फॉर्मूले पर इनका 6 माही मूल्यांकन होगा। इसमें प्रतिवर्ष 60% से कम अंक पाने वाले सेवा से बाहर होते रहेंगे। जो 5 वर्ष की सेवा तय शर्तों के साथ पूरा कर सकेंगे, उन्हें ही मौलिक नियुक्ति दी जाएगी, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो या अन्य किसी भी भर्ती हो। यह इन प्रक्रियाओं से आपको गुजरना पड़ रहा है, पड़ेगा मित्रों। PCS, PPS व PFSJ से बाहर, यानी प्रस्तावित नियमावली सरकार के समस्त सरकारी विभागों के समूह ख व ग के पदों पर लागू होगी। यह सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 पर भी लागू होगी। इसके दायरे से केवल प्रादेशिक प्रशासनिक सेवा, यानी कार्यकारी एवं न्यायिक शाखा तथा प्रादेशिक पुलिस सेवा के पद ही बाहर होंगे, यानी इससे सिर्फ यही पद बाहर होंगे, बाकी सभी इसमें इंक्लूड होंगे। MKPI के आधार पर होगा मूल्यांकन, यानी मूल्यांकन का आधार क्या होगा, तो MKPI के आधार पर होगा मूल्यांकन।
जिसमें समूह ख व ग संवर्ग के पदों पर नियुक्त लोगों को संविदा अवधि में मिजरेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर यानी कि MKPI के आधार पर उनके प्रदर्शन व संतोषजनक कार्य का प्रत्येक 6 माह में मूल्यांकन होगा। MKPI का फॉर्मूला भी तय किया जा रहा है, यानी जो MKPI है उसका फॉर्मूला भी तैयार किया जा रहा है। अभी संविदा की अवधि के 4 वर्ष पूर्ण होने के बाद MKPI के आधार पर चयनित व्यक्तियों को समय का अनुपालन करने, अनुशासित रहने, देशभक्ति एवं नैतिकता का मापांक रखते हुए 5 वर्षों में विभागों द्वारा 6 माह का इस संबंध में अनिवार्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। मित्रों यहाँ पर संविदा के दौरान संबंधित पद की संगत सेवा नियमावली में उल्लिखित पद नाम से पहले सहायक पद नाम से ही नियुक्ति की जाएगी, यानी जो भी पद नाम होगा उल्लिखित होगा उससे पहले उसे के सहायक पद के नाम पर ही उसकी नियुक्ति की जाएगी इस 5 वर्षों में जो संविदा पर की जाएगी। और संविदा अवधि में प्रत्येक वर्ष MKPI के आधार पर कार्य कर रहे कुल व्यक्तियों में से 2 छमाही के प्राप्तांकों का योग 60% से कम होने पर सेवा समाप्त कर दी जाएगी। यानी छमाही जो आपका मूल्यांकन होगा, यदि 2 छमाही आपके मूल्यांकन हो चुके हैं और यदि आपने 60% अंकों से जो प्रतिशत अंक हैं वो से कम प्राप्त किए हैं तो आपको जो संविदा सेवा है वो आपकी समाप्त कर दी जाएगी। और संविदा कर्मी के कार्य को देखते हुए नियमावली के साथ निर्धारित MKPI अंकित कर नियुक्त प्राधिकारी चयन प्रस्ताव भेजेंगे। छमाही समीक्षा केवल इन्हीं MKPI पर की जाएगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे। यह MKPI नियुक्ति पत्र का भी अंश होंगे, जो MKPI होंगे ना इनका अंग पत्र जो वह भी इस नियुक्ति का अंश होंगे। वहीं पर MKPI के आधार पर ही छमाही समीक्षा की कार्यवाही नियुक्ति पदाधिकारियों यानी कार्यालयाध्यक्ष विभागाध्यक्ष व शासन के स्तर पर आधारित समितियां करेंगी, यानी इनका जो ये प्रक्रिया को इस पर आधारित समितियां करेंगी। और वहीं पर समीक्षा समिति द्वारा प्रत्येक छमाही के बाद प्रदर्शित किए गए अंकों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बंद लिफाफे में रखा जाएगा, यानी जो भी आपकी छमाही अंकों के जो अंक होंगे वह एक बंद लिफाफे में समीक्षा समिति के द्वारा वहां पर इसको दिया जाएगा। ये प्रावधान नहीं होंगे, यानी इसमें ये लागू नहीं होंगे। क्या लागू होने ये तो आप देख चुके हैं, और लागू कौन से नहीं होंगे यहाँ पर भी इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति पर यूपी सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली यानी 1999 लागू नहीं होगी, ठीक है। और संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति को शासकीय कार्य से यात्रा पर भेजे जाने पर ही यात्रा व अन्य भत्ते दिए जाएंगे, अन्यथा आपको नहीं जाएंगे दिए जाएंगे, आप स्वयं खर्चे से जाएंगे। संविदा पर नियुक्ति अवधि में कर्मी को नियमित सरकारी सेवकों को अनुमन्य सेवा संबंधी लाभ नहीं दिए जाएंगे, यानी जो सरकारी सेवक होता है यानी कर्मचारी होता है उसको लाभ जो मिलते हैं वह इस संविदा में नहीं मिलेंगे जब तक वह मौलिक नियुक्ति नहीं प्राप्त कर लेगा। संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति के संबंधित पद की अर्हताओं व आरक्षण आदि से संबंधित प्रमाण पत्र आदि फर्जी पाए जाने पर सेवा समाप्त कर दी जाएगी, यानी यदि आपका कोई भी प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है तो आपकी जो संविदा सेवा है और या मौलिक नियुक्ति है वो दोनों ही समाप्त कर जाएंगी। और संविदा पर नियुक्त कर्मियों का नियत वेतन, एक नियत वेतन होगा जिसमें संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को समूह ख व ग संबंधित पद पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मुद्रास्फीति आधारित नियमित यानी एक नियत वेतन दिया जाएगा। 5 वर्ष की संविदा अवधि निर्धारित शर्तों पर पूर्ण होने पर ही संबंधित व्यक्ति को संगत सेवा नियमावली में स्थान देते हुए मौलिक नियुक्ति प्रदान की जाएगी। पूर्व से चल रही चयन प्रक्रिया भी दायरे में, यानी जो पूर्व में अभी जो चयन प्रक्रिया चल रही है वो अभी इसके दायरे में आ सकती हैं। प्रस्तावित नियमावली के प्रारंभ होने के पूर्व पदों पर चयन के लिए विज्ञापन कर दिया गया है जो अथवा चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है तो विज्ञापन व परिणाम परीक्षा परिणाम के आधार पर चयन संबंधित व्यक्ति से घोषणा पत्र लिया जाएगा। उसे घोषणा करनी होगी कि वह इस नियमावली के अधीन शर्तों को स्वीकार करेंगे, इसके बाद ही उनकी नियुक्ति की जाएगी। तो कितने पद किसमें हैं, तो सरकारी सेवा के पदों का ब्यौरा समूह का के अंतर्गत 26,726 पद हैं और समूह खा के अंतर्गत हैं 58,859 हैं। वहीं पर समूह गा के अंतर्गत हैं 8,17,613 पद हैं, वहीं समूह घा के अंतर्गत हैं 3,61,605 पद हैं। 1 अप्रैल 2019 के अनुसार हैं नई व्यवस्था के पक्ष में सरकार का तर्क है
कहना है, यानी सरकार का कहना है कि राज्य कर्मियों की दक्षता बढ़ाने और उसमें नैतिकता, देशभक्ति व कर्तव्य परायणता के मूल्यों पर विकास करने तथा वित्तीय व्यय भार कम करने के उद्देश्य से यह नियमावली प्रस्तावित है। इससे सरकारी विभाग समूह खा के पदों पर नियुक्ति संविदा एवं नियमावली विनियमितीकरण नियमावली 2020-21 कहा जाएगा। तो आप सभी लोग जान पा रहे हैं मित्रों, तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है मोर देन लाइक और शेयर करेंगे मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, धन्यवाद। प्रदेश की योगी सरकार समूह ख और समूह ग की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था में चयन के बाद शुरुआती 5 साल तक कर्मियों को संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। इस दौरान उन्हें परमानेंट सेवाओं का लाभ नहीं मिलेगा। 5 साल की संविदा सेवा के दौरान जो छटनी से बच पाएंगे उन्हें ही मौलिक नियुक्ति मिल सकेगी। शासन का कार्मिक विभाग इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष विचार के लिए लाने की तैयारी कर रहा है। इस प्रस्ताव पर विभागों से विचार विमर्श भी शुरू कर दिया गया है। नई व्यवस्था के पक्ष में सरकार का तर्क है कि राज्य कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने और उनमें नैतिकता, देशभक्ति, कर्तव्य परायणता के मूल्यों का विकास करने और वित्तीय व्यय भार कम करने के उद्देश्य से ये नियमावली प्रस्तावित है।